नमस्ते, मैं हूं प्रीतिश पंड्या और स्वागत करता हूं आपका इस डिजिटल क्लासरूम में। आज का हमारा अध्ययन बिंदु है वायुमंडल, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे वायुमंडल की परिभाषा, संगठन एवं संरचना। डेफिनेशन ऑफ एटमॉस्फियर। द एटमॉस्फियर इज द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस विच सराउंड्स अर्थ। इट इज हेल्ड नियर द सरफेस ऑफ द प्लैनेट बाय अर्थ ग्रेविटेशन एट्रैक्शन। मॉन्क हाउस के अनुसार वायुमंडल गैस की एक पतली परत है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के साथ जुड़ी हुई है। परिभाषा के बाद हम सबसे पहले देखते हैं वायुमंडल के संगठन के बारे में। वायुमंडल में मुख्यतः पाए जाने वाले पदार्थ हैं गैसें, जल वाष्प और धूल कण। वायुमंडल की संरचना में अधिकांश भाग गैसों का है। गैसों के अंतर्गत नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन आदि अनेक गैसें हैं, जिसको इस डायग्राम में हम देख सकते हैं। वायुमंडल की सबसे प्रमुख गैस है नाइट्रोजन, जिसकी मात्रा वायुमंडल में 78.8% है। इस गैस की उपस्थिति के कारण ही हमें वायुदाब, पवनों की गति एवं उसकी दिशा, प्रकाश के परावर्तन आदि का ज्ञान होता है। यह एक गंधहीन, स्वादहीन एवं रंगहीन गैस है, परंतु यह प्रोटीनों का निर्माण करती है एवं नाइट्रोजन चक्र के चलने से समस्त जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों में प्रोटीन का संचार होता है। इस गैस की उपस्थिति के कारण ही वस्तुओं की जलने की तीव्रता कम होती है। वायुमंडल की दूसरी प्रधान गैस है ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा वायुमंडल में 20.95% है। यह एक जीवनदायिनी गैस है जो समस्त जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के श्वसन में काम आती है। रासायनिक पदार्थों के साथ मिलकर यह गैस अनेक यौगिकों का निर्माण करती है। कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में यह गैस महत्वपूर्ण है। यह वस्तुओं के जलने में सहायता प्रदान करने वाली गैस है। वायुमंडल में मात्रा की दृष्टि से तीसरे नंबर की गैस है ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है जो वायुमंडल की निचली परतों में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग सभी प्रकार की वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाने के लिए करती हैं। डाइऑक्साइड वस्तुओं के जलने से उत्पन्न होती है। इसकी मात्रा में वृद्धि के कारण वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसे भूमंडलीय ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल की एक अन्य महत्वपूर्ण गैस है ओजोन, जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है। यह गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है, जिस कारण यह गैस जलवायु की दृष्टि से हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। गैसों के बाद वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण संगठक है जल वाष्प। जल वाष्प की औसत मात्रा वायुमंडल में 2% तक होती है, परंतु सभी प्रकार के मौसमी परिवर्तन जल वाष्प पर आधारित होते हैं। जल वाष्प के संघनन से ही वर्षा, तुषार, पाला, कोहरा आदि संघनन संबंधी घटनाएं होती हैं। जल वाष्प पृथ्वी से निकलने वाली पार्थिव विकिरण का अवशोषण करती है, जिससे यह कंबल की तरह कार्य करती है। वायुमंडल के तापमान को न बहुत अधिक होने देती है न बहुत कम। गैसों एवं जल वाष्प के बाद वायुमंडल का महत्वपूर्ण संगठक है धूल कण। समुद्री नमक, ज्वालामुखी राख, उड़ने वाली मिट्टी आदि से प्राप्त होने वाले धूल कण वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण अंग है। इन वायुमंडलीय गैसों एवं धूल कणों के द्वारा वर्णात्मक प्रकीर्णन की प्रक्रिया के कारण हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय यही आसमान में जो लालिमा होती है वो वर्णात्मक प्रकीर्णन के कारण ही हमें दिखाई देती है। धूल कण आर्द्रताग्राही नाभिक। वायुमंडल की सबसे निचली परत है शोकमंडल। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर के आसपास है, जबकि ध्रुव पर यह 8 किलोमीटर ऊंची है। भूमध्य रेखा पर संवहन धाराओं की उपस्थिति के कारण इसकी ऊपरी सीमा अधिक ऊंची है।
क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी आती जाती है, जो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। इसे सामान्य ताप पतन दर कहा जाता है। क्षोभ मंडल में जल वाष्प एवं धूल कणों का सर्वाधिक भाग पाया जाता है। यही कारण है कि जलवायु एवं मौसम संबंधी सभी परिवर्तन इसी मंडल में होते हैं, जैसे बिजली का चमकना, वर्षा का होना, बादलों का बनना आदि। इसी कारण इसे क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। इन मौसमी परिवर्तनों के कारण ही क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। आइए चलते हैं विद्यालय के प्रांगण में, जहां हम एक एनिमेशन के द्वारा समझते हैं कि क्षोभ मंडल में किस किस प्रकार के मौसमी परिवर्तन होते हैं। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमांत कहते हैं। इसकी मोटाई लगभग 1.5 किलोमीटर है, जिसके ऊपर मौसम संबंधी सभी परिवर्तन बंद हो जाते हैं। इसी कारण इसे मौसमी परिवर्तनों की छत भी कहा जाता है। आइए चलते हैं क्षोभ मंडल से ऊपरी परत में, जिसका नाम है समताप मंडल, जिसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर मानी जाती है। तापमान संबंधी परिवर्तन कम होने के कारण इसे समताप मंडल कहा जाता है। समताप मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता इसमें पाई जाने वाली ओजोन गैस है। ओजोन मंडल में पाए जाने वाली ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है। यह गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है एवं खतरनाक किरणों से हमारी एवं जीव जंतु वनस्पति की रक्षा करती है। समताप मंडल के ऊपर पाए जाने वाली वायुमंडल की परत मध्य मंडल कही जाती है। इसकी औसत ऊंचाई 80 किलोमीटर है। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान में पुनः कमी आने लगती है एवं इसकी ऊपरी सीमा पर तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है। इस परत का घनत्व बहुत कम है। इसकी ऊपरी सीमा को मध्य सीमा कहा जाता है। मध्य सीमा के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के मध्य आयन मंडल का विस्तार है। गैसों के विद्युत आवेशित कण पाए जाने के कारण ही इसे आयन मंडल कहा जाता है। आयन मंडल से रेडियो तरंगें प्रवाहित होती हैं। सौर पवनों के संपर्क में आने पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव में ध्रुवीय ज्योति का दर्शन होता है, जिसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरालिस के नाम से जाना जाता है। आयन मंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान 1100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इसे ताप मंडल या थर्मोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। आइए कुछ वीडियो एवं ग्राफिक के द्वारा देखते हैं कि आयन मंडल में सुमेरु ज्योति एवं कुमेरु ज्योति संबंधी घटनाएं किस प्रकार घटित होती हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल कही जाती है। इसकी कोई सीमा नहीं है और कैसे विरल होते होते अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है।